दोस्तों आप सभी को नमस्कार और मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसे चाहे कोई भी बिजनेस हो छोटा या बड़ा सभी बिजनेस में पैसे का आदान प्रदान होता रहता है। इसमें किसको कितना पैसा दिया, किसका क्या बकाया रह गया, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है का हिसाब देखा जाता है। तो इन सभी को सभी व्यापारियों को इसे मेहनत हिसाब किताब रखना पड़ता है हर एक ट्रांजेक्शन का, किससे हमने क्या व्यवहार किया उसका एक प्रारूप या डे बुक में वो लोग मेंटेन करके रखते हैं या एक रजिस्टर में लिख के रखते हैं, तो उसको हम अपने इस छोटे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। ये सभी व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और एक बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है जिसमें हर एक तरह का हिसाब किताब मैनेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर को। सर्वप्रथम जब सॉफ्टवेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्टरी विंडो आती है जिसमें डे बुक लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर डे बुक यानी पूरे दिन की दिनचर्या को मैनेज करता है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जो पैसे का लेन देन शामिल है। तो सर्वप्रथम हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही हमारे सामने जो विंडो आएगी वो एक जनरल लेजर के नाम से विंडो आएगी। जनरल लेजर में हम लोग देखते हैं कि अकाउंट की डिटेल है, पार्टी का नाम है, पर्टिकुलर है, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट किया, क्या दिया और क्या दिया, इसका हिसाब हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो पार्टी नेम के सामने न्यू है उस पर क्लिक करके हम लोग अकाउंट बना लेंगे। जिन जिसका भी हमें व्यवहार करना है उसका हम लोग एक रिकॉर्ड उसके नाम से सेव करेंगे कि हमने इस पर्सन को ये सामान दिया, इस पर्सन से ये पैसे लिया, ये हम लोग कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग राम कुमार के नाम से एक अकाउंट बना रहे हैं, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट डाल देंगे। इसमें एक अकाउंट ओपनिंग डेट ऊपर मेंशन की हुई है वो भी आ जाएगा। दूसरा अकाउंट हम लोग बना लेते हैं श्याम के नाम से, उसका एड्रेस है या मोबाइल नंबर हम लोग फीड कर लेंगे। अकाउंट बनाने के लिए सिंपल न्यू पर क्लिक करना है और डाटा फीड करने के बाद सेव पर क्लिक करना होता है। जब आप सेव कर लेंगे एक और अकाउंट बना लीजिए एक्सपेंस का कि हमारे पूरे दिन का खर्चा क्या है वो भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, जैसे चाय का, पानी का, कोई किसी भी तरह का जो दुकान का एक्सपेंस होता है वो आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। देखिए जी बहुत ही छोटा और सिंपल सॉफ्टवेयर है, इससे हर प्रकार का व्यवहार को मैनेज कर सकते हैं लेन देन का। तो ये हमने अकाउंट बना लिया है, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। अब हम लोग एंट्री करेंगे वाउचर एंट्री। तो सिंपल अकाउंट नंबर हम लोग डालेंगे या नहीं डाल सकते एंटर दबाएं, पार्टी का नाम आ जाएगा। अब पर्टिकुलर में डिटेल लिख दीजिए किस राम कुमार से आप किस तरह का व्यवहार करें, जैसे कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट किया आपने, उसे कैश दिया, कितना अमाउंट दिया वो आप डेबिट में मेंशन करना चाहें डेबिट मेंशन कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ये क्या हुआ उसके नाम पर कैश में अकाउंट की एक एंट्री हुई। अब दूसरा अकाउंट लेते हैं श्याम के नाम से, उसे हमने क्या आइटम दिया वो भी आप एंट्री कर सकते हैं। उसकी एक डिटेल आइटम मान लो हमने फर्नीचर दिया, कितने अमाउंट का था वो हमने उसका मेंशन कर दिया। तीसरा एक एंट्री और देख लें एक्सपेंस में। एक्सपेंस में हम लोग टीवी वगैरह अगर मंगवाते हैं या खर्च करते हैं जो भी चीज़ उसका आप एंट्री इसमें कर सकते हैं। इसी तरह किसी की पेमेंट है या पेमेंट जमा है, मान लें एक्सपेंस में आपने पैसे दिए हैं तो वो भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए किस सदस्य आपको अकाउंट है, मान लीजिए राम कुमार का, श्याम का, तो इससे हमने कैश अगर रिसीव कर रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कैश रिसीव किया, क्रेडिट में एंट्री कर सकते हैं या लिया में एंट्री कर सकते हैं, ऐसे हमने कैश इतना ले लिया और इसे एंट्री करके सेव कर सकते हैं। ये तो हमारी होगी डे बुक और जनरल एंट्री या जनरल लेजर जिसमें हम लोग सभी तरह के हिसाब किताब को एंट्री करते हैं। उसके बाद इस छोटे से सॉफ्टवेयर में हम लोग देख सकते हैं रिपोर्ट, वाउचर अगर प्रिंट करना चाहें तो वाउचर प्रिंट कर सकते हैं, सर्च करके देखना चाहें कि क्या क्या अकाउंट में एंट्री हमारे हुई है, नेम के हिसाब सर्च करना चाहें, किसी पार्टी का खाता देखना चाहें कि इस पार्टी में क्या क्या हमने लेन देन किया है, क्या कैश दिया है, क्या सामान दिया है, कितना इसका बकाया है, ये हम लोग चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल रिपोर्ट में जाके उस पर क्लिक करेंगे आप सर्च पर अकाउंट में ऑप्शन में तो आप देख सकते हैं अकाउंट, हर तरह के खाते की एंट्री हम चेक कर सकते हैं कितना उसमें एंट्री है, क्या उसका हिसाब किताब है।
इसी तरह जनरल रजिस्टर अगर देखना चाहें पूरे दिन में एंट्री क्या क्या की है, जनरल रजिस्टर एंट्री में हम लोग क्लिक करेंगे, उस एंट्री के अंतर्गत पूरी रिपोर्ट आपके सामने मिल जाएगा पूरे दिन का क्या है। अगर किसी पर्टिकुलर खाते का आपने विवरण देखना है कि हमने कितना सामान दिया है या कितना डेबिट क्रेडिट हुआ है और बैलेंस अमाउंट कितना पेंडिंग है, कितना डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्या पेंडिंग है, वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके लिए पार्टी ड्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, पार्टी ड्यू स्टेटमेंट क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सारा डिटेल सामने आ जाएगी। तो दोस्तों ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पूरा अकाउंट मैनेज कर सकते हैं और अकाउंट मैनेज करने के बाद आप उसका हिसाब किताब, उसके अकाउंट में हमने कितना पैसा ट्रांजेक्शन किया है, क्या बकाया है, सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा उसके लिए मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा या सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि है या कोई अपडेशन कराना है तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।